विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको एच आफरीन ने WHO के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की टीम के साथ दरभंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा का निरीक्षण किया। टीम में WHO बिहार झारखंड के पदाधिकारी शामिल थे। 4 सदस्यीय टीम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष, टीकाकरण केंद्र, युवा क्लिनिक और गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप की भी जानकारी ली। सिंहवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद्र प्रसाद ने जांच टीम के सलाहों और सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने स्वास्थ्य केंद्र से दी जा रही सेवाओं के साथ चलाए जा रहे वंडर ऐप कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त की। WHO का 4 सदस्यीय टीम का यहाँ विजिट किया गया था। उन्होंने सबसे पहले डिलीवरी रूम का विजिट किया, उसके बाद उन्होंने कोल्ड चेन के लिए देखने के लिए बोला। कोल्ड चेन में भी गए, कोल्ड चेन में पूरे वैक्सीन रखा हुआ रहता है जिसमें कोविड का भी नया वैक्सीन है और रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो 12 प्रकार का वैक्सीन पड़ता है वो भी है। हमको आदेश दिए हैं, अभी तो उनका कहना था जो AFI किट जो बनता है हम लोगों का, जो एडवर्स इफेक्ट का, उसका आप थोड़ा सही से मॉनिटर कीजिए। और एक प्रोग्राम जो चलता है यहाँ वंडर प्रोग्राम में उन्होंने वंडर का बारे में बारीकी से ANM से बात किया। जो डिलीवरी रूम में जो वंडर का जो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी पेशेंट को PPH डेवलप कर गया, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है। एक्लेम्सिया का कोई पेशेंट है जिसको चमकी आने लगा, उसमें प्रोटोकॉल दिया हुआ है इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। उससे वो लोग बहुत संतुष्ट हुआ।